हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका डॉली किचन में। तो आज चलिए, आज हम बनाने वाले हैं भिंडी की सब्जी। बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में बन के तैयार होगी और ये बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं आज भिंडी की सब्जी। यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली, इसको मैंने गोल सा काट लिया और एक प्याज को मैंने काट लिया। अब यहाँ पर एक नॉन स्टिक की कढ़ाई लेंगे। इसमें यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल को बहुत हाई फ्लेम पर हम बहुत ही गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें मेथी डाल दी है, मेथी चटकने लगी है। अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे और यहाँ पर मैंने 2 मिर्च को डाल दिया है काट कर। आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो प्याज को रखा हुआ था काट कर, उसको भी डाल दिया। अब इसको हम 5 मिनट के लिए हल्का सा पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, प्याज को बहुत हल्का सा ही हम पकाएंगे। आप भिंडी की सब्ज़ी बिना प्याज डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया है। अब हमारी देखिए प्याज हो गई है लगभग लगभग, इससे ज़्यादा हम प्याज को नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें जो भिंडी काट कर रखे थे उसको डाल देंगे। स्टार्टिंग में हम भिंडी को बहुत हाई फ्लेम पर ऐसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे पका लेंगे। भिंडी में हम कोई मसाला भी नहीं ऐड करेंगे और इसमें नमक भी हम लास्ट में ही डालेंगे, क्योंकि भिंडी हमारी बहुत ज़्यादा गले ना, इसलिए पहले हम भिंडी को पका लेंगे। स्टार्टिंग में इसको हम ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। इस मैंने इसको ढक दिया था 5 मिनट के लिए। और देखिए मेरी भिंडी अभी हल्की हल्की सी इसमें लेस टाइप की है। अभी भिंडी ये धीरे धीरे ड्राई होती जाएगी जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे। भिंडी को हम दोबारा सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब लगभग लगभग हमारी भिंडी पक चुकी है। अब हम इसको बिना ढके हुए 5 से 7 मिनट तक ऐसे चलाते हुए पकाएंगे। और ये भिंडी को हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे इसमें, इसको हम ऐसे पकने देंगे। ये धीरे धीरे जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी वैसे ड्राई होती जाएगी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें ऊपर से नमक डाल दिया है, क्योंकि हमारी भिंडी 50% पक चुकी है। नमक को बहुत हल्का सा चलाते हुए हम मिक्स करेंगे, जिससे हमारी भिंडी फूटे ना। और इसको हम ऐसे चला के मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारी भिंडी पक चुकी है। अब भिंडी हमारी तैयार है, इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्रिस्पी किया है। मैंने यहाँ से 2-3 मिनट चला कर इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। हमारी भिंडी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, हम इसको पूड़ी, पराठा, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आसान से भिंडी की रेसिपी आप भी ट्राई करिए।